हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी विप्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बाय द राइट, आप लोगों ने पता लगा ही जाओ कि आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने लेकर आई हूँ कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्राइड एंड टेस्टेड स्किन केयर रिकमेंडेशन। यस, मेरी खुद की ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं क्या यूज करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मतलब ये बिल्कुल 100% जेन्युइन रिव्यू होने वाला है मेरा, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, लाइक 1.5-2 महीना हो गया, और मैक्सिमम इतना ही टाइम लेती है कोई चीज़ अपना असर दिखाने के लिए। सो वो हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी स्किन पे कैसा क्या काम किया उन्होंने। तो आप डेफिनेटली वो सब अपने लिए मंगा सकते हैं। जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले और एक्ने प्रोन स्किन वाले इजिली यूज कर सकते हैं। सब कुछ अंडर 550 रुपीज आ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली स्किन केयर रिकमेंडेशन होने वाली हैं ये। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स सिंपली जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इसके साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विश केयर का फेस वॉश। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, 2% सैलिसिलिक एसिड, AHA, टी ट्री एंड ग्रीन टी फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन। इस पर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। इट इज़ अ लाइटली फोमिंग एंड डीप क्लिनजिंग फेस वॉश विच रिमूव योर डर्ट एंड ऑयल वाइल पेनिट्रेटिंग डीप इन टू योर पोर्स, हेल्पिंग टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट ब्लैक हेड्स एंड ब्रेकआउट्स। तो काफ़ी अच्छा है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत है क्या वैसे कि सैलिसिलिक एसिड ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और एक्ने ख़त्म करने में मदद करता है। तो इसमें वो भी है और AHA भी है, टी ट्री और ग्रीन टी है। इन सभी के फ़ायदे अपन जानते हैं और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आई थिंक ये 250 रुपये का मिला था मुझे, वैसे इसमें MRP 400 रुपीज़ का और ये 100 ml है। तो अच्छा है ये, और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है, तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करके देखना चाहिए। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं ना, वो आपको धीरे धीरे दूर होती हुई दिखेंगी। मतलब ये कोई मिरेकल नहीं करेगा बाय द वे, क्योंकि ये फेस वॉश है, तो ये जेंटली आपकी स्किन क्लीन कर देगा और जो भी मतलब बैक्टीरियाज है ना, उन्हें मारने में मदद करता है। दैट्स इट, तो आप इसे ले सकते हैं। सो या गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू चेक देम आउट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर नायका पे सेल आती है तो, वैसे कोई नायका रिकमेंडेशन हॉल नहीं है, ये एक स्किन केयर रिकमेंडेशन हॉल है। पर ये सब मैंने नायका से लिया था क्योंकि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मुझे नायका के ही लगते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो मैं मेरी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ अपना फेस वॉश करने के बाद, मतलब मेरा जो स्किन केयर है ना, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। मैंने मतलब कम से कम नहीं तो 100-200 ना डर्मेटोलॉजिस्ट को देख लिया हुआ यूट्यूब पे, और मैं 3-4 को तो है ना फिजिकली जाके कंसल्ट भी करके आई हूँ। तो सबने यही बोला है कि अपना स्किन केयर बहुत ही बेसिक रखना चाहिए। ज़्यादा मतलब ऐसे देख के ना किसी को कि अच्छा इतना ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना फेस वॉश करना चाहिए, उसके बाद आप अगर टोनर यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो और भी अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको सीरम यूज़ करना है तो कर सकते, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको फिर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, लेकिन अब जो भी लगाए ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है और आप सही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। जिस चीज़ की आपकी स्किन को ज़रूरत है, आप वो चीज़ अपनी स्किन में डालेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं, अपना फेस वॉश करें, फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, और डोंट ever ever skip your sunscreen। So okay, तो ये सब ज्ञान की बातें हो गई, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता होना, और मैंने बहुत लोगों को देखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मुझ पर rely कर सकते हैं। So next thing जो मैं use करती हूँ फेस वॉश करने के बाद, वो है ये नाइसिनामाइड 5% सीरम। ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो ज़्यादातर लोग 10% नाइसिनामाइड यूज़ करते हैं, पर मैं 5% करती हूँ। इससे मुझे बिल्कुल इरीटेशन नहीं होती है। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि नाइसिनामाइड इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ये बात इसके लिए एकदम सच्ची है, और एकदम बोलते ना इसी के लिए लिखी गई है, क्योंकि ये सब कुछ करेगा। ये आपका ऑयल प्रोडक्शन कम करेगा, ये आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव करने में मदद करेगा, पिगमेंटेशन रिमूव करने में मदद करेगा, एक्ने खत्म करने में, मतलब एक्ने के मार्क्स खत्म करने में, एक्ने नहीं, एक्ने के मार्क्स खत्म करने में मदद करेगा। मतलब ये बहुत कुछ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हील करता है, हाइड्रेटेड रखता है, ये सब कुछ करेगा, लेकिन ये किसी में भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि ये सब कुछ करता है, लेकिन
मतलब ये ऐसा कोई एक्सपर्टीज नहीं है कि हाँ बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं होता इससे, पर ये काफ़ी अच्छा है और मैंने बहुत डॉक्टरों को देखा है और सब बोलते हैं जिनके भी ज़्यादा ऑयली स्किन है और ब्लैक हेड वाइट हेड्स की परेशानी है और एक्ने है, उन नाइसिनमाइड यूज़ कर लेना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पर। तो यस, ये है मिनिमलिस्ट का। मिनिमलिस्ट के सीरम बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे ये पड़ा था, आई थिंक ये 550 का मुझे पड़ा था, 600 समथिंग इसका MRP है और इतना डिस्काउंट इस पर हमेशा मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है, तब चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, मैंने अभी रिसेंटली अपने स्किन केयर में डाली है, पर इतना कोई इससे ना ऐसे मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा मुझे, मेरे ऊपर, इसलिए मैं इसको आपको अभी इतना जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी इसको यूज़ किए कुछ ही दिन हुए हैं मुझे। तो मैं बात कर रही हूँ मिनिमलिस्ट की विटामिन बी 10% मॉइस्चराइज़र, इसमें है कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलोरोनिक एसिड एंड टाइम, ठीक है, लाइट वेट एंड ऑयल फ्री है फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ये है 50 ग्राम आपको इसमें क्वान्टिटी मिलती है, ये थोड़ा जेल फॉर्म में है तो आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब ऐसा लगता है एकदम लगाते ही जैसे ना इवेपोरेट सा हो गया हो, एकदम स्किन में डिजॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ठंडी ठंडी सूदिंग सी फीलिंग आती है और ये मॉइस्चराइज रखता है और एक ड्यूई फिनिश देता है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। बहुत सारे और भी मॉइस्चराइज़र आते हैं पर मिनिमलिस्ट का सीरम मुझे सूट कर रहा था इसलिए मैंने उसका मॉइस्चराइज़र भी ले लिया और ये मुझे कॉस्ट किया था 250-300 रुपये ही। इसका MRP तो 349, पर हाँ मुझे मतलब 50-60 रुपये का तो आपको डिस्काउंट हमेशा ईजिली किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, पर आपको लेना नायका से चाहिए क्योंकि मैं तो नायका पर भरोसा करती हूँ और आप चाहें तो अमेज़न से भी ले सकते हैं पर उस पर डिलीवरी लग जाती है, एक ही बात है। सो यस, ओके, तो नेक्स्ट अप जो चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सनस्क्रीन। दिस इज़ फ्रॉम द फिक्स डर्मा शेडो SPF 30+ जेल है ये। ओके, तो मेरे पास जो पहले सनस्क्रीन थी ना, और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि 30 से ज़्यादा लेना है, लेकिन ना अभी मुझे बिल्कुल भी सन एक्सपोजर नहीं करना पड़ता है, मैं धूप में बिल्कुल नहीं जाती हूँ और घर पर ही मतलब रूम पर ही रहती हूँ, कभी कभार निकलती हूँ शाम को, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि डेली डेली ऑफिस कॉलेज जाना है, मतलब SPF ज़्यादा लेना पड़े, लगाती तो मैं डेली हूँ और आपको भी डेली लगानी चाहिए। तो इसमें है PA++++, ये जितने भी प्लस होते हैं इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा आपको ये प्रोटेक्शन देगा सन से और ये एक्सेलेंट कंपोजिशन है फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स, ह्यूमिड वेदर के लिए, एक्सेसिव स्वेटिंग, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नॉन ग्रीसी हैं एंड वाटर असिस्टेंट फॉर्मूला है, UVA UVB दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो आई नो कि स्किन केयर वीडियोज़ में जनरली थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि हमको सारे इंग्रेडिएंट्स और मतलब सब कुछ कि क्या वो करता है वो पढ़ के और बोल के बताना पड़ता है, तो सिर्फ है ना मस्ती मजाक नहीं हो पाता कुछ। तो ये है फिक्स डर्मा की, और मैंने पता नहीं कितने लाइक हजारों लाखों यूट्यूब पे जो डॉक्टर्स हैं ना उनको देख लिया होगा, सुन लिया होगा सबने, मतलब 90% लोगों ने ये फिक्स डर्मा वाली सनस्क्रीन रिकमेंड की थी, ठीक है, और भी बहुत सारी करते हैं, जैसे एक्वालॉजिका की करते हैं और माको की करते हैं, मिनिमलिस्ट की करते हैं, और भी 2-3 लाश शील्ड की, और मतलब 1-2 ऐसी ना फार्मेसी वाली कंपनीज भी हैं जिनको वो रिकमेंड करते हैं, ये भी शायद फार्मेसी वाली है फिक्स डर्मा, पर मैं ही आपको बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशन दे रही हूँ और क्योंकि मैंने भी यही खरीदी है क्योंकि मेरा भी कोई अभी नौकरी वोकरी का ठिकाना नहीं है और इतने ही पैसे मिलते हैं घर वालों से। तो ये जेल बेस्ड फॉर्म में है, देखो बहुत ही ज़्यादा इसका हल्का, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन दे रहा है ना, मुझे लगता है एक्ने प्रोन वालों का एकदम वो जहाँ पे पिंपल होते हैं वहाँ से बर्न होता रहता है एरिया, रेडनेस रहती है ना, इसलिए वहाँ पे थोड़ा कूलिंग सेंसेशन देने के लिए और अच्छा लगाने के लिए ना ये वाली ये फॉर्मूला डालते हैं। हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर फिनिश आया है इसका, ऐसा नहीं है कोई चिपचिप, नॉन स्टिकी है बिल्कुल और एकदम ही वाटरी है, मतलब थोड़ी देर में ना 2-4 मिनट में एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, पर इट हैज़ सम फ्रेग्रेंस, पर प्यारी है, मतलब प्यारी बोल रही हूँ, मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस है, बुरी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर चढ़े और मुझे बाहर नहीं जाना होता इसलिए मैंने SPF 30 लिया है। तो ये मुझे आई थिंक 350 का पड़ा है, ये 75 ग्राम है और अगर आप इसमें है ना SPF ज़्यादा लोगे, इसमें 50 भी है तो वो आपको और महंगा पड़ेगा, आई थिंक वो 500 रुपये तक का पड़ेगा आपको इतना 75 ग्राम। एक बार मेरे कहने पर मंगा के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी।
अगर आपकी सेंसिटिव ऑयली या एक्ने प्रोन या कॉम्बिनेशन स्किन है तो सो यार टू चेक दिस आउट। ओके नेक्स्ट अब जो चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है ना वो मैं अपने नाइट स्किन केयर में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा आपने मेरे उस दिन है ना पैम्पर रूटीन वाली वीडियो में देख लिया होगा कि मेरी स्किन की हालत कैसी है। इनकेस आप भूल गए होगे तो मैं अभी भी क्लिप लगा दूंगी। तो इसलिए मैंने अपने स्किन केयर में इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हैं। पहले मैं कुछ नहीं लगाती थी क्योंकि फालतू में कुछ लगा के मतलब नहीं है। आपकी स्किन अगर ऑलरेडी अच्छी है तो नॉर्मल चीज़ों से और कुछ घरेलू नुस्खों से वो और अच्छी और बेहतरीन हो सकती है। इसलिए मैंने इनको अपने स्किन केयर में अभी डाला है। तो मैं जो अगली चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है अगेन एक और सीरम, पर दिस इज़ मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम। तो ये एज आई सेड ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक्ने है ना और आपका ऑयली स्किन है तो आपको पक्का से ये ट्राई करनी चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्ने वैक्ने नहीं होते हैं तो, क्योंकि ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स सबको पता है जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है या जिनकी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन होती है कि उनका टी जोन कितना ऑयली रहता है और उनको यहाँ पे ब्लैक हेड्स की और वो वाइट वाइट से आ जाते हैं ना इधर, वाइट हेड्स की कितनी परेशानी होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने ये ली है। एंड आई एम नॉट किडिंग यू गाइस, ये इतनी अच्छी है ना, ये एक ऐसी इकलौती सीरम है जो ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स दिखाती है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे अप्लाई किया था ना तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो फुंसी है ना वो जल्दी, एक तो उसका रेडनेस कम हो गया, वो जल्दी सूख गया और वो मतलब जल्दी छोटा हो गया, या उसका साइज़ बड़ा होता है ना वो थोड़ा श्रिंक हो गया मतलब। और पर ये चमड़ी हटाती है थोड़ी सी जब आप इसे लगाते हैं, पर ये बहुत अच्छी है। अगर आपको एक्ने होते हैं ना तो यू मस्ट एंड यू शुड ट्राई दिस आउट, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। काफ़ी अच्छी है और इसमें और भी बहुत कुछ है। इसका MRP भी 550-600 रुपये है और ये आपको 550 की मिल जाएगी, इससे कम की नहीं मिलेगी। और ये 30 ml है तो ये काफ़ी दिन चलता है। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए अप्रॉक्स 1.5 महीना हो गया है एंड आई एम हैप्पी विथ इट्स रिजल्ट्स। और नायासिनामाइड तो मैं 2-3 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ और उससे मेरी स्किन में काफ़ी हद तक ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ है। अब मेरा टी जोन इतना ज़्यादा ऑयली नहीं रखता है। ओके एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना या एक्ने निकल रहे होते हैं तो उनको यही लगता है कि स्किन पे ना मॉइस्चराइजर लगाने का मन नहीं करता है क्योंकि पहले से इतना ऑयली है और जल्दी से पता नहीं चलता। तो चलो मैंने आपको बता दिया कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा है और आपको पता भी होगा कि आप कौन सा लगाते हैं आपको सूट करता है, लेकिन ना मन नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी पसीना तेल तो वो मन नहीं करता है। लेकिन अगर आपको स्किप करना भी है ना मॉइस्चराइजर तो आप मॉर्निंग में स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर मेक श्योर कि आप सीरम यूज़ करें क्योंकि सीरम तुरंत स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है तो वो कोई अपना है ना रेसिड्यू या पीछे कुछ छोड़ता नहीं है। जैसे मॉइस्चराइजर का तो पता लगता है कि आपने अप्लाई किया, पर सीरम का पता नहीं चलेगा आपको, नायासिनामाइड का पता नहीं चलेगा, सैलिसिलिक एसिड का पता चलता है कि आपने अप्लाई किया है। और आप रात को कभी भी मॉइस्चराइजर स्किप ना करें क्योंकि अपन नहीं चाहेंगे और डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं चाहेंगे कि रात को सोते सोते आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाए, तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। क्योंकि आप अगर रात को सैलिसिलिक एसिड यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन का मॉइस्चर लेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो आपकी स्किन को सुखाता है और तब वो पिंपल को ट्रीट करता है। बेसिकली वो आपके है ना ओपन पोर्स जो होते हैं ना उनको भी कम करने में मदद करता है और अंदर स्किन पे जाके अच्छे से काम करता है, तो उसके आपको रिजल्ट्स तुरंत दिखते हैं। नायासिनामाइड के रिजल्ट्स आपको एटलीस्ट 3-4 वीक्स में दिखेंगे। ओके जी, तो ये सारी बातें हो गई। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो 2 फार्मेसी ट्यूब्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे पिंपल और एक्ने को ट्रीट करने के लिए। ओके सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 ट्यूब्स, काफ़ी अच्छी हैं। ये बेंजोल पेरोक्साइड है 2.5%, इससे ज़्यादा कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने अभी रिसेंटली अपने स्किन केयर में इंक्लूड किया है क्योंकि ठीक नहीं हो रहे थे एक्ने। और एक है क्लिंडामाइसिन फोस्फेट जेल, ठीक है ये 1% है। तो दोनों ही 110-150 इतने की आती हैं, तो ये ना दिन में लगा सकते हो। क्लिंडामाइसिन फोस्फेट ये दिन के लिए बेटर है, ठीक है। और इसको आपको सिर्फ जहाँ पे पिंपल है ना वहाँ पे अप्लाई करना है, उसके लिए अच्छा है। और बेंजोल पेरोक्साइड, मतलब इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। ओके तो मैंने ना
जैसा बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह को देखा, तो सबने यही बोला कि मेक श्योर कि आप बेंजोल पेरोक्साइड को या तो आप फेस वॉश की तरह यूज़ करें, बेंजोल पेरोक्साइड हो जिस फेस वॉश में वो यूज़ करें, और 2.5 से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि फिर ना आपको वो वरी नहीं रहना पड़ेगा कि आप क्या तो मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, क्या तो सनस्क्रीन लगा रहे हो, कौन सा सीरम लगा रहे हो, क्योंकि हर चीज़ के साथ नहीं जाता है, हर चीज़ के साथ सूट नहीं होता है, और गलत कॉम्बिनेशन लगा लेने से आपका स्किन कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो बेंजोल पेरोक्साइड या तो फेस वॉश यूज़ करें। अगर आप विटामिन सी और रेटिनॉल सीरम लगाते हैं तो आपको बेंजोल पेरोक्साइड का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट ट्यूब से अप्लाई ना करें, क्योंकि मेक श्योर कि बेंजोल पेरोक्साइड को आप विटामिन सी और रेटिनॉल के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स हैं, तो आपको उस चीज़ में गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये बेंजोल पेरोक्साइड 2.5 का जेल अभी लिया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैंने इसको आपको इतना जल्दी इसलिए दिखा दिया क्योंकि ओ माई गॉड इट डज़ वंडर्स, लाइक सच में मिरेकल करता है ये। मेरा पूरा ये एरिया ना एकदम यहाँ पे फैमिली आ गई थी पिंपल्स की, लेकिन इसने मतलब मात्र 2 दिन में उनको ख़त्म कर दिया, लिटरली जो दर्द था, जो पस था, एवरीथिंग इज़ जस्ट गॉन। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई, मुझे लगा ये तो भाई आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि मुझे कभी भी डॉक्टर ने बेंजोल पेरोक्साइड रिकमेंड नहीं किया। मुझे हमेशा मतलब जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं गई थी फिजिकली, उसने मुझे क्लिंडामाइसिन एंड अडैप्लिन एंड फोस्फेट जेल रिकमेंड किया था, पर ये कुछ कर नहीं रहा था मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है उनको समझ ना आया हो कि मेरे अब पिम्पल्स बड़े हो गए हैं, उनमें ज़्यादा जिट पस आने लग गया है। पर ये बहुत अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली ये चेकआउट करना चाहिए। पर अगेन मैं बोलूँगी तीसरी और आखिरी बार, मेक श्योर कि आप विटामिन सी और रेटिनॉल के साथ इसे ना लगाएं। अगर आप अपने स्किन केयर में विटामिन सी सीरम या रेटिनॉल यूज़ करते हैं, स्किन केयर हो, फेस वॉश हो, या फिर मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, कुछ भी हो, तो आप फिर बेंजोल पेरोक्साइड का फेस वॉश यूज़ करें, ट्यूब ना लगाएं, क्योंकि आपस में नहीं जेल करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। सो यस, ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अभी तक 2 चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ली थी। ओके, सो फर्स्ट इज दीज डीप क्लिनजिंग नोज स्ट्रिप, इंस्टेंटली अनक्लॉग योर पोर्स, रिड्यूस ब्लैक हेड्स। ठीक है, ये टी ट्री है, 10 RPCs आते हैं, 170 की आती है, मैंने लिया फ्रॉम मिनीसो। एंड दिस इज डीप हाइड्रेटिंग आई मास्क लेवेंडर, इसमें 3 पीसेज आते हैं, 60 रुपीज़ का आता है, दिस इज अगेन फ्रॉम मिनीसो। सो द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू, क्योंकि ब्लैक हेड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, पर अगर आपके घर में कोई शादी फंक्शन कुछ भी है एक्स वाई जेड और आपको अपनी नाक चमकानी है ना, तो आपको फिर नोज़ स्ट्रिप्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर दिन का फंक्शन है तो साफ दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आपके ब्लैक हेड्स इतना ज़्यादा विजिबल हैं। ठीक है, और वो थोड़ा अनहाइजीनिक सा भी लगता है, क्योंकि आजकल सब बहुत ज़्यादा ना खुद को संवार के रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। आपने मेरे रूटीन वीडियो में देख ही लिया होगा कि हाउ टू यूज़ देम। नेक्स्ट इज दिस आई मास्क, क्योंकि अपन इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो अपने पिंपल्स को सुखाएंगे और अपने स्किन को थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड कर सकती हैं, और आँखों का नीचे वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल होता है और सेंसिटिव होता है, तो इसकी रक्षा सुरक्षा करना भी अपनी ही जिम्मेदारी है। तो इसके लिए अपन ये आई मास्क आते हैं छोटे छोटे से, यहाँ लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कूलिंग सी सेंसेशन देते हैं और बहुत हाइड्रेटेड रखते हैं आपको। ये वैसे बेस्ट है अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए और मतलब शादी वगैरह के लिए, और विंटर सीजन में तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, समर सीजन में भी अच्छा रहता है क्योंकि धूप से आँखें वाँखें जल जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। सो या गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कुछ तो नया पता चला होगा, और अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन है, वैसे आप ये सुनते सुनते बोर हो गए होंगे, तो आप डेफिनेटली ये सब अपने स्किन केयर में डाल सकते हैं, पर एकदम से मत डालना, धीरे 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 करके इंक्लूड करना। जैसे मैंने पहले नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना शुरू किया था, उसके अप्रॉक्स 15-20 दिन बाद मैंने सैलिसिलिक एसिड अपने स्किन केयर में डाला, क्योंकि सेंसिटिव स्किन भी है, तो एकदम से इतना सब डालोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे ये चीज़ें कोई गड़बड़ करती नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पर धीरे धीरे स्किन केयर को बिल्ड करना ही सही रहता है, क्योंकि आपकी स्किन अडेप्ट कर लेती है फिर उन चीज़ों को। और यस, जब भी आप अपना स्किन केयर करें तो हर स्टेप के बीच में कम से कम, लोग 1 मिनट बोलते हैं पर 1 मिनट तक किसी को सब्र नहीं होता, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो पर आप गैप दें ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सो या, बस यही सब थी ज्ञान भरी बातें, और मुझे अपना स्किन केयर शेयर करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिखे हैं और मेरी स्किन की हालत आपने देख ली थी, तो आप डेफिनेटली इन्हें ना यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है मैंने ये खरीदे हैं, स्किन केयर तो आपको पता है रिटर्न भी नहीं होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ वीडियो के लिए, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। तो ये 110% जेन्युइन रिव्यू है मेरा, तो आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करेगा या मेरे कल्स दिखाएगा, पर सबको ऑलमोस्ट दिखाता ही है तो आपको भी दिखा सकता है। मतलब 99% चांसेस हैं कि आपको सूट करेगा, पर वो 1% का थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी। पर कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक करना था कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ बी पॉजिटिव, खूब सारा पानी पिएं और अपनी स्किन को स्वस्थ और अच्छा रखें, खुद को भी स्वस्थ और अच्छा रखें, और ये भी ना भूलें कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डू नॉट फॉरगेट दैट, आई लव यू ऑल सो मच, सरेंगे, बाय।